अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार. मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं. तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, अग्रज, अनुज, अग्रजा, अनुजा, इस वीडियो के माध्यम से साल 2020 के जितने भी बीएचयू के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी का एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि सर, एक कैंडिडेट एक समय में या एक साल में कितने कोर्सेस में अप्लाई कर सकता है या एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है. तो दोस्तों, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा और विस्तार से आपको बताऊंगा. कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिए. देखने सुनने के बाद में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स या फिर एस्पिरेंट या इवन जस्ट फॉर नॉलेज उनके गार्डियन पेरेंट्स भी जान सके कि आखिर एक साल में एक बच्चा कितने भी कोर्सेस में अप्लाई कर सकता है या नहीं, या अगर कर सकता है तो कितने में कर सकता है. तो बात है कि सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आता है तो आप एलिजिबिलिटी देखते हैं. अगर एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप कितने भी कोर्सेस में एलिजिबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशन वहां तक है, तो आप एक साथ कई सारे कोर्सेस में अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले मैं शुरू से कवर करता हूं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, मतलब क्लास 12th में आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है, ये तीन सब्जेक्ट पढ़े हैं आपने, बाकी आप इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट होगा आपके साथ, कंप्यूटर साइंस होगा या कुछ और होगा, लेकिन ये तीन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर पढ़ी है तो 12th पास करने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आप बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंसेस, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथमेटिक्स, बीए एलएलबी दैट इज बी लैट, उसके अलावा बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, देन अगर फाइन आर्ट बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं आप तो बीएफए दैट इज बीएफए तो मैंने बताया दिया, फाइन आर्ट, उसके अलावा बीपीए परफॉर्मिंग आर्ट, इतने सारे कोर्सेस में आप अप्लाई कर सकते हैं. और अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू आप पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, मेरिट लिस्ट में भी आ जाते हैं, तो आप इन में से किसी भी कोर्सेस में दाखिला या एडमिशन ले सकते हैं. मैं फिर से दोहरा देता हूं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से क्लास 12th पास करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हुई है क्लास 12th तक, तो आप बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, बी लैट यानी कि बीए एलएलबी, बीएफए दैट इज बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बैचलर ऑफ वोकेशन, इतने सारे कोर्सेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर बीएससी मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही पढ़े हुए हैं आप, ऐसा भी होता है, जैसे इन माय केस आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मैंने चारों सब्जेक्ट पढ़ी है क्लास 12 तक, तो अगर ऐसे केस वाले विद्यार्थी होते हैं तो वो बीएससी मैथमेटिक्स, ओबीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीए ऑनर्स सोशल एंड आर्ट्स, देन बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम, वो भी बीए एलएलबी यानी कि बीलैट के लिए एप्लीकेबल हैं, देन फाइन आर्ट के लिए वो भी एप्लीकेबल, बीएफए एंड परफॉर्मिंग आर्ट, इतने सारे कोर्सेस में वो अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपने क्लास 12th में आर्ट्स पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो आप साइंस अब तो 12th के बाद नहीं पढ़ सकते. ऑलराइट, मतलब कि बीएससी मैथमेटिक्स या बायोलॉजी नहीं कर सकते. सेम गोज इन बीएससी एग्रीकल्चर. अब चूंकि केमिस्ट्री आपने 11th 12th में पढ़ी नहीं है तो आप कैसे क्रैक कर पाएंगे, उस एग्जामिनेशन को मुश्किल होगा, तो बीएससी एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते. बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम कर सकते हैं, बीए एलएलबी यानी कि बी लैट कर सकते हैं जो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके अलावा बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेस को आप कर सकते हैं अगर आपने क्लास 12th जो है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से पढ़ाई करी है. तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स पढ़ा है क्लास 12th तक, तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो है क्या, बी कॉम दैट इज बैचलर ऑफ कॉमर्स. इसके अलावा आप बी ए एल एल बी पढ़ सकते हैं, बी लैट पढ़ सकते हैं, बिल्कुल
बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस बिल्कुल पढ़ सकते हैं, अगर कॉमर्स क्लास 12 से पढ़ाई किया हुआ है। बीएफए यानी कि फाइन आर्ट पढ़ सकते हैं, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट पढ़ सकते हैं, बैचलर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम भी पढ़ सकते हैं अंडर ग्रेजुएट के। तो आर्ट्स बता दिया, साइंस बता दिया, कॉमर्स बता दिया। अब कुछ विद्यार्थी या यूपी बोर्ड जैसे में ऐसा भी है कि एग्रीकल्चर भी सब्जेक्ट होता है, तो एग्रीकल्चर के साथ आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, और अगर आप ऑप्शनल में या आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी हो तो आप मैथमेटिक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर, उसके साथ ही साथ आपका बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस, देन इट इज बैचलर ऑफ वोकेशन, बीए एलएलबी बीलैक, देन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, उसके अलावा बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये सारे के सारे कोर्सेस हैं लगभग जो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस हैं। उसके अलावा और भी है, बीएससी नर्सिंग भी है। इनफैक्ट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो एक्स्ट्रा एक नर्सिंग भी कर सकते हैं, हालांकि वो उसका जो एग्जाम होता है वो अपना नॉर्मल कोर्सेज में नहीं आता, वो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर आता है, बट ये भी कोर्स कर सकते हैं। जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं क्लास 12 तक जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी हुई है, तो वो आप बीएससी नर्सिंग, उसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, देन बी फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, और बीएससी बायोलॉजी तो उनके लिए ऑप्शन खुला ही खुला है। ऑलराइट, तो ये सारी बातें थी जो आपको बतानी थी। और एक साथ आप जितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं, मान लिया जाए 5 कोर्स के लिए हैं, 6 कोर्स के लिए हैं, सभी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, पेमेंट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा अगर आप 5 कोर्सेज के लिए जाते हैं, 4 कोर्सेज के लिए जाते हैं। और कभी भी इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट एक समय में नहीं होती, एक साथ नहीं होती है। ऑलराइट, उन सबको देखा जाता है, सब कुछ ध्यान रखा जाता है कि अगर बीएससी ऑनर्स मैथ्स का पेपर है और बायोलॉजी का पेपर है तो उन दोनों को सेम टाइम में, हो सकता है सेम डेट हो लेकिन सेम टाइम में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं, तो फिर वो तो दोनों कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। तो दैट इज वाई इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, और आपको इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, कोई भी आपके पास दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर आप एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी कि क्या पढ़ाई करी है, क्योंकि ये 3 मुख्य रूप से कोर्सेज हैं, साइंस के होंगे आप स्टूडेंट या फिर आर्ट्स के होंगे या फिर कॉमर्स के होंगे। साइंस में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी 2 ऑप्शन है, एक एग्रीकल्चर भी है, तो उसके लिए भी हमने बता दिया। तो यही थी कुल मिलाकर की बातें। और परीक्षा जो है पिछले साल से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होती है, तो जो भी आप करना चाहें वो एप्लीकेशन के समय में आपको चूज करना होगा। और हिंदुस्तान में लगभग सारे शहरों में, सारे अच्छे शहरों में इसका एग्जामिनेशन सेंटर है। ऑलराइट, लगभग 125 शहर में ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा है और 45 शहरों में ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सुविधा है। तो आप अपनी इच्छानुसार उसे चूज कर सकते हैं और उसी हिसाब से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होगा। बाकी जितने कोर्सेज हैं उनकी जानकारी कैसे क्रैक करें आपको इस वीडियो के मतलब इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोग तक शेयर कीजिए। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक एज ऑलवेज।